हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मार्च को होने वाले स्मैकडाउन लाइव के फुल प्रीव्यू के बारे में। और फिर से एक बार WWE ने टीज कर दिया है कि हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस, एज और डैनियल ब्रायन का कन्फ्रंटेशन। और इसके अलावा गाइस, जो रॉ ब्रांड की तरफ से मैच कंफर्म हुआ है, ऐसे ही हमें स्मैकडाउन ब्रांड की तरफ से कंफर्म होते हुए दिखाएंगे देंगे रेसलमेनिया 37 के लिए। और इंडियन रेसलिंग फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। तो गाइस, क्या है पूरी अपडेट, सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यार से लाइक से। और सबसे पहले बात ही कर लेते हैं इस गुड न्यूज़ के बारे में। तो गाइस, इंडियन रेसलिंग फैंस के लिए एक स्पेशल गुड न्यूज़ है। पहली बार खली हुए हैं इंडक्ट WWE हॉल ऑफ फेम में, यानी कि 2021 के हॉल ऑफ फेम में। और हमें रेसलमेनिया वीक में खली देखने को मिलेंगे हॉल ऑफ फेम में। उसके साथ केन भी हो चुके हैं खली के साथ इंडक्ट। तो एक बड़ी गुड न्यूज़ है इंडियन रेसलिंग फैंस के लिए, पहला रेसलर हमारे देश का हो चुका है इंडक्ट हॉल ऑफ फेम में। अब बात कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट स्मैकडाउन के बारे में। और हमें सबसे पहला सेगमेंट देखने को मिलेगा फिर से एक बार हेड ऑफ़ द टेबल रोमन रेंस का। यहाँ पर रोमन रेंस होंगे जे उसो, पॉल हेमन के साथ। जे उसो ने मदद की थी रोमन रेंस की, पर गाइस जो इस फास्ट लेन में हुआ भाई, रोमन रेंस ने टैप आउट किया उसको। रोमन रेंस बिल्कुल नकारेंगे कि वो टैप आउट नहीं था, वो बस एक नॉर्मल थिंग थी। और यहाँ पर रोमन रेंस क्लियरली विनर है। पर गाइस, हमें यहाँ पर डैनियल ब्रायन देखने को मिलेंगे, और डैनियल ब्रायन कहेंगे नहीं तुमने टैप आउट किया था, मैंने तुम्हें हरा चुका हूँ, और मुझे या तो फिर दोबारा टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए। पर गाइस, यहाँ पर आ सकते हैं एज भी, और हमें तीनों सुपरस्टार्स के बीच में क्योस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एज तो होंगे डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट भी, डैनियल ब्रायन एज से भी कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं, एज से जवाब मांग सकते हैं उस अटैक का। और गाइस, हमें अभी फ्यूड अब ट्रिपल थ्रेट फ्यूड में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगी। और यहाँ पर अगर डैनियल ब्रायन को मिलने वाला है दोबारा मौका, वो भी रेसलमेनिया में, तो हमें फिर से डैनियल ब्रायन का कोई मैच देखने को मिल सकता है जिसको जीतकर ही वो रेसलमेनिया में यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में जा पाएंगे। तो ये फ्यूड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस, इसके अलावा बात करें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के बारे में, और यहाँ पर सासा बैंक्स से बियांका बेलेयर की फ्यूड कंटिन्यू है। पर अभी तक हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में कुछ एक्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार एक फेस सुपरस्टार हैं। पर WWE चाहती है कि भाई रेसलमेनिया में स्मैकडाउन ब्रांड के फीमेल डिवीजन से एक तगड़ा मैच हो। तो यहाँ पर बियांका बेलेयर पर जो अटैक किया था सासा बैंक्स ने, सासा बैंक्स पर उससे बदला लेना होगा बियांका बेलेयर को। तो ये फ्यूड हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। पर WWE का बियांका बेलेयर को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, यहाँ पर बियांका बेलेयर को भी स्ट्रॉन्ग दिखाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा गाइस, जो एक और बड़ी फ्यूड है वो है अपोलो क्रूज और वैसे बिगी की। यहाँ पर भाई अपोलो क्रूज ने अटैक किया था बिगी पर मैच हारने के बाद भी फास्ट लेन में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई अभी अपोलो क्रूज और बिगी की फ्यूड कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि गाइस इस फ्यूड में हमें कुछ ज़्यादा खास एक्शन देखने को नहीं मिला अब तक। और वो मैच भी फास्ट लेन का कुछ इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था। हो सकता है WWE का ये मैच फिर से एक बार कराने का हो मन रेसलमेनिया में। तो ये फ्यूड भी हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। इसके अलावा गाइस, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीजारो का मैच कंफर्म हो सकता है रेसलमेनिया के लिए। और हमें फिर से एक बार सीजारो अटैक करते हुए दिखाई देंगे सेथ रॉलिंस पर। या तो गाइस, हो सकता है हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच फिर से एक बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैच हारने के बाद भी शिंसुके नाकामुरा ने एक तरह से वार्निंग दी थी सेथ रॉलिंस को। तो हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का रीमैच देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सीजारो अटैक कर सकते हैं सेथ रॉलिंस पर। इसके अलावा गाइस, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में बात करें, और अभी करंट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन है डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूट, और वो भी मैच रेसल करेंगे रेसलमेनिया में, अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे। और वो किस टीम के अगेंस्ट, ये हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन से क्लियर होता है दिखाई देगा। और पॉसिबली गाइस, वो टीम हो सकती है शॉर्टी जी एंड ओटिस की। शॉर्टी जी ओटिस नंबर वन कंटेंडर मैच जीत सकते हैं, और चैलेंज कर सकते हैं डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूट को। तो गाइस, ये सारे मैचेस तो कंफर्म होंगे। सबसे बढ़िया सेगमेंट होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कि अब रोमन रेंस और एज की स्टोरीलाइन किस तरह से आगे जाने वाली है, कि डैनियल ब्रायन भी इस पे इनसाइड होंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि फैंस को नेक्स्ट स्मैकडाउन पर क्लियर होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और फिर पसंद आए तो लाइक भी करना। गाइस, आप जरूर कमेंट करके बता कि आप ट्रिपल थ्रेट मैच देखना चाहते हैं रेसलमेनिया 37 में, या फिर सिंगल्स मैच रोमन रेंस वर्सेस एज का। और अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई ख्याल रखें अपना। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मार्च को होने वाले स्मैकडाउन लाइव के फुल प्रीव्यू के बारे में। और फिर से एक बार WWE ने टीज कर दिया है कि हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस, एज और डैनियल ब्रायन का कन्फ्रंटेशन। और इसके अलावा गाइस, जो रॉ ब्रांड की तरफ से मैच कंफर्म हुआ है, ऐसे ही हमें स्मैकडाउन ब्रांड की तरफ से कंफर्म होते हुए दिखाएंगे देंगे रेसलमेनिया 37 के लिए। और इंडियन रेसलिंग फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। तो गाइस, क्या है पूरी अपडेट, सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यार से लाइक से।
और सबसे पहले बात ही कर लेते हैं इस गुड न्यूज़ के बारे में। तो गाइज, इंडियन रेसलिंग फैंस के लिए एक स्पेशल गुड न्यूज़ है। पहली बार खली हुए हैं इंडक्ट WWE हॉल ऑफ फेम में, यानी कि 2021 के हॉल ऑफ फेम में, और हमें रेसलमेनिया वीक में खली देखने को मिलेंगे हॉल ऑफ फेम में। उसके साथ केन भी हो चुके हैं खली के साथ इंडक्ट। तो एक बड़ी गुड न्यूज़ है इंडियन रेसलिंग फैंस के लिए, पहला रेसलर हमारे देश का हो चुका है इंडक्ट हॉल ऑफ फेम में। अब बात कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट स्मैकडाउन के बारे में, और हमें सबसे पहला सेगमेंट देखने को मिलेगा फिर से एक बार हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। यहाँ पर रोमन रेंस होंगे जे उसो पॉल हेमन के साथ। जे उसो ने मदद की थी रोमन रेंस की, पर गाइस जो इस फास्ट लेन में हुआ भाई, रोमन रेंस ने टैप आउट किया उसको। रोमन रेंस बिल्कुल नकारेंगे कि वो टैप आउट नहीं था, वो बस एक नॉर्मल थिंग थी, और यहाँ पर रोमन रेंस क्लियरली विनर है। पर गाइस हमें यहाँ पर डैनियल बैन देखने को मिलेंगे, और डैनियल बैन कहेंगे नहीं तुमने टैप आउट किया था, मैंने तुम्हें हरा चुका हूँ, मुझे या तो फिर दोबारा टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए। पर गाइस यहाँ पर आ सकते हैं एज भी, और हमें तीनों सुपरस्टार्स के बीच में क्योस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एज तो होंगे डैनियल ब्रैन के अगेंस्ट भी, डैनियल ब्रैन एज से भी कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं, एज से जवाब मांग सकते हैं उस अटैक का। और गाइस हमें ये फ्यूड अब ट्रिपल थ्रेट फ्यूड में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगी, और यहाँ पर अगर डैनियल ब्रैन को मिलने वाला है दोबारा मौका, वो भी रेसलमेनिया में, तो हमें फिर से डैनियल ब्रैन का कोई मैच देखने को मिल सकता है जिसको जीतकर ही वो रेसलमेनिया में यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में जा पाएंगे। तो ये फ्यूड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस इसके अलावा बात करें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के बारे में, और यहाँ पर सासा बैंक्स और बियांका बेलेयर की फ्यूड कंटिन्यू है, पर अभी तक हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में कुछ एक्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार एक फेस सुपरस्टार हैं। पर WWE चाहती है कि भाई रेसलमेनिया में स्मैकडाउन ब्रांड के फीमेल डिवीजन से एक तगड़ा मैच हो। तो यहाँ पर बियांका बेलेयर पर जो अटैक किया था सासा बैंक्स ने, सासा बैंक्स पर उससे बदला लेना होगा बियांका बेलेयर को। तो ये फ्यूड हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी, पर WWE का बियांका बेलेयर को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, यहाँ पर बियांका बेलेयर को भी स्ट्रॉन्ग दिखाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा गाइस जो एक और बड़ी फ्यूड है वो है अपोलो क्रूज और वैसे बिगी की। यहाँ पर भाई अपोलो क्रूज ने अटैक किया था बिगी पर मैच हारने के बाद भी फास्ट लेन में, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई अभी अपोलो क्रूज और बिगी की फ्यूड कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि गाइस इस फ्यूड में हमें कुछ ज़्यादा खास एक्शन देखने को नहीं मिला अब तक, और वो मैच भी फास्ट लेन का कुछ इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था। हो सकता है WWE का ये मैच फिर से एक बार कराने का हो मन रेसलमेनिया में। तो ये फ्यूड भी हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। इसके अलावा गाइस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीजारो का मैच कंफर्म हो सकता है रेसलमेनिया के लिए, और हमें फिर से एक बार सीजारो अटैक करते हुए दिखाई देंगे सेथ रॉलिंस पर। या तो गाइस हो सकता है हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच फिर से एक बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैच हारने के बाद भी शिंसुके नाकामुरा ने एक तरह से वार्निंग दी थी सेथ रॉलिंस को। तो हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का रीमैच देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सीजारो अटैक कर सकते हैं सेथ रॉलिंस पर। इसके अलावा गाइस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में बात करें, और अभी करंट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन है डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूट, और वो भी मैच रेसल करेंगे रेसलमेनिया में, अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे, और वो किस टीम के अगेंस्ट ये हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन क्लियर होता है दिखाई देगा। और पॉसिबली गाइस वो टीम हो सकती है शॉर्टी जी एंड ओटिस की। शॉर्टी जी ओटिस नंबर वन कंटेंडर मैच जीत सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूट को। तो गाइस ये सारे मैचेस तो कंफर्म होंगे। सबसे बढ़िया सेगमेंट होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कि अब रोमन रेंस और एज की स्टोरीलाइन किस तरह से आगे जाने वाली है, कि डैनियल बैन भी इस पे इनसाइड होंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि फैंस को नेक्स्ट स्मैकडाउन पर क्लियर होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और फिर पसंद आए तो लाइक भी करना। गाइस आप जरूर कमेंट करके बता कि आप ट्रिपल थ्रेट मैच देखना चाहते हैं रेसलमेनिया 37 में, या फिर सिंगल्स मैच रोमन रेंस वर्सेस एज का। और अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई ख्याल रखें अपना।